से रहते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा अर्थात केवल विजेता ही इस धरा पर राज करता है। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के रणबांकुरों ने कारगिल युद्ध में देश के दुश्मनों को वापस सीमा पार खदेड़ दिया था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को संपूर्णतः निष्कासित करने की औपचारिक रूप से घोषणा की, लेकिन यह विजय हमें यूं ही हासिल नहीं हुई। 14,000 फुट से भी ऊंची बेरहम पहाड़ियों पर डटा बैठा दुश्मन, उसको हटाने के लिए हमारे जाबाजों ने अनगिनत कुर्बानियां दी। हमारे कई वीर शहीद हुए और कितने ही गंभीर रूप से घायल हुए। इन सभी सैनिकों ने भारतीय सेना के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की उस परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध इस देश का हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। हम सभी खुशकिस्मत है कि कारगिल संग्राम के उन महानायकों में से आज कुछ हमारे बीच इसी सभा में यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से प्रमुख हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र 18 ग्रेनेडियर्स, कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र लद्दाख स्काउट, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, देन जनरल ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन डिप, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल वीर चक्र सेना मेडल, देन कमांडिंग ऑफिसर 13 जैकरिफ, लेफ्टिनेंट जनरल कमल कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल देन ऑफिसर कमांडिंग 23 इंडिपेंडेंट R&O फ्लाइट, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर युद्ध सेवा मेडल देन कमांडिंग ऑफिसर 18 ग्रेनेडियर, कर्नल दिनेश नाइकवाड़े युद्ध सेवा मेडल लद्दाख स्काउट्स, कर्नल जॉय दास गुप्ता सेना मेडल 18 ग्रेनेडियर्स, कर्नल PN कामत सेना मेडल 1889 लाइट रेजिमेंट और कैप्टन अखिलेश सक्सेना फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर 2 राजरिफ। और लद्दाख स्काउट्स के कुछ बहादुर कारगिल वॉर वेटरन्स जो यहाँ मौजूद हैं, वो हैं हवलदार सेवांग मोरूप वीर चक्र, राइफलमैन शेरिंग दौरजे वीर चक्र, सुबेदार मेजर शेरिंग स्तोपदन वीर चक्र, सुबेदार मेजर ताशी छेबला वीर चक्र, सुबेदार लोबजांग छोतक वीर चक्र, हवलदार शेवांग रिगजिन वीर चक्र और नायब सुबेदार अंगचोक दोरजे सेना मेडल। इनके अलावा हमें बहुत गर्व है कि हमारे समक्ष आज कुछ शहीदों के परिवार भी सम्मिलित हैं। तब जाके कहीं हम ने सर पे ये केसरी रंग लगाया है। मेरी जिंद अफसोस में जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे मेरी आन सदा, जान मेरी ये रहे न रहे।
with the sole purpose of creating awareness on the environment and creating music for positive social impact. So, I mean that film music bilkul bhi nahi karta hu, main sirf music karta hu, social impact kar, social change par aur prakruti par. Chetatoya Ashaya